गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एल्काइल हैलाइड्स को पूरी तरह से खत्म कर लिया। हमने एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन मेथड्स पढ़े, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। आपको याद हो तो इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर को हमें दो पार्ट में पढ़ना है। एक हमें पढ़ना है हेलो एल्केन्स के बारे में, जो हम पढ़ चुके हैं, और सेकेंड हमें पढ़ना था हेलो एरीन्स के बारे में, ठीक है, या जिन्हें हम एराइल हैलाइड भी कह देते हैं, ठीक है, उनके बारे में। तो आज की क्लास से हम एक्चुअली में पढ़ना शुरू करेंगे हेलो एरीन्स को या एराइल हैलाइड्स को। आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, टॉपिक भी लिखा होगा है मैंने, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स या एराइल हैलाइड। तो आज की क्लास में हम एराइल हैलाइड के या हेलो एरीन के प्रिपरेशन मेथड डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। प्रिपरेशन मेथड्स पर पहुंचूं उससे पहले मैं आपको बता दूं अच्छे से कि एक्चुअली में हेलो एरीन्स होते क्या हैं या एराइल हैलाइड होते क्या हैं। तो हेलो एरीन्स या एराइल हैलाइड्स वो कंपाउंड होते हैं जिनमें हेलोजन एटम डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो। आई रिपीट, जिनमें हेलोजन एटम डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। जैसे मैं बनाऊं इस कंपाउंड को, ये कंपाउंड मैंने बनाया, यहाँ आया Cl, इसमें क्लोरीन एटम डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, किसके अंदर फॉल करेगा ये कंपाउंड, हेलो एरीन। क्लियर है बात मेरी। जैसे मैं बात करूं फ्लोरीन को डायरेक्ट जोड़ दिया मैंने बेंजीन रिंग से, क्या नाम है इसका, फ्लोरो बेंजीन, इसके अंदर फॉल करेगा, हेलो एरीन्स के अंदर। क्लियर हो रही है बात मेरी। जैसे मैं बात करूं इस पर्टिकुलर कंपाउंड की, इस कंपाउंड की आयोडीन लगाया है यहाँ पे, तो ये भी किसके अंदर फॉल करेगा, हेलो एरीन्स के अंदर। तो वो कंपाउंड जिनमें हेलोजन एटम डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो क्या कहलाएंगे, हेलो एरीन्स या एराइल हैलाइड। क्लियर। और एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे मैं इसकी बात करूं CH3Cl, तो किसके अंदर फॉल करेगा, हेलोएरीन के अंदर। रीजन कि हेलोजन एटम डायरेक्टली जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग के साथ। जैसे मैं बात करूं इस पर्टिकुलर कंपाउंड की Cl, तो ये भी किसके अंदर फॉल करेगा, हेलोएरीन के अंदर। क्लियर हो रही है बात मेरी, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों हेलोजन एटम डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़े हुए हैं। बट अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड की बात करूं CH2Cl, तो क्या ये हेलोएरीन के अंदर फॉल करेगा, नहीं, ये हेलोएरीन के अंदर फॉल नहीं करेगा। रीजन क्या है कि यहां हेलोजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ नहीं है। क्लियर हुई बात मेरी। तो हेलोएरीन्स आर द कंपाउंड्स इन व्हिच हेलोजन एटम्स इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग। क्लियर होती है बात इतनी, ठीक है। अच्छा, अब हमें पढ़ना है हेलोएरीन के प्रिपरेशन मेथड, और हेलोएरीन के मेनली दो प्रिपरेशन मेथड हम पढ़ते हैं। एक हम हेलोएरीन का प्रिपरेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ बेंजीन, और एक हम प्रिपरेशन करेंगे हेलोएरीन का या एराइल हैलाइड का विद द हेल्प ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट, ठीक है। शायद आप में से कुछ बच्चों ने सुना होगा डाइएजोनियम सॉल्ट क्या होता है, कुछ बच्चों ने नहीं सुना होगा, हम बताएंगे शुरू से, चिंता करने की बात नहीं है। पहला प्रिपरेशन मेथड हम आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, विच इज प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन बाय बेंजीन। तो हेडिंग लगाएंगे आप सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन बाय बेंजीन। बेंजीन क्या है, हाइड्रोकार्बन, C6H6 फॉर्मूला होता है इसका, C6H6। अच्छा सर कैसे करोगे, बेंजीन से कैसे करोगे, तो यार डायरेक्ट हेलोजिनेशन करा दो, यहां से एक H निकाल दो, एक हेलोजन ऐड करा दो। क्लियर हो रही है बात मेरी, एक H निकाल दो, एक हेलोजन ऐड करा दो। तो क्या कराना है आपको इसका, डायरेक्ट हेलोजिनेशन, क्या करा देना है, डायरेक्ट हेलोजिनेशन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने ये बेंजीन लिया, ठीक है, रिएक्शन कराया विद क्लोरीन, ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, कोई लुईस एसिड आपको लेना होता है। लुईस एसिड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, जानते हो ना बात, लुईस एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो कंपाउंड होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन लेने का नेचर होता है, ठीक है। तो किसी लुईस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, होगा क्या कि यहां से इसको ऐसे बना देते हैं, एक Cl+ जाएगा, एक Cl+ जाएगा, यहां से H+ निकलेगा, एक Cl+ जाएगा बेंजीन रिंग पर, कुछ इस तरह की स्थिति होगी, ये सिचुएशन बनेगी। यहां से H+ ही Cl- के साथ जुड़ के क्या बनाएगा, HCl। फिर से देखो ये बॉन्ड टूटेगा, यहां से एक Cl- यहां से एक Cl+, क्लियर हो रही है बात मेरी, Cl+
यहां से निकला H+ Cl+ जाके इस रिंग से जुड़ जाएगा। अरे भाई बेंजीन रिंग में 6 हाइड्रोजन एटम होते हैं, 6 हाइड्रोजन एटम, क्या कह रहा हूं मैं, C6H6 ठीक है, इसके साथ रिएक्ट किया विद क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ अ लुईस एसिड, यहां से ये इलेक्ट्रॉन लेके गया Cl- की फॉर्म में, क्या बचा है यहां पे Cl+ व्हिच इज आल्सो नोन एज क्लोरोनियम आयन, इसको क्या कहते हैं हम, क्लोरोनियम आयन, पॉजिटिव चार्ज है इस पर, क्लोराइड नहीं है ये, क्लोरोनियम आयन है, ये क्लोरोनियम आयन यहां से H+ निकालेगा, जाके जुड़ जाएगा, क्या बनेगा C6H5Cl, ठीक है C6H5Cl एक H+ निकला, ये H+ इसके साथ जाएगा प्लस HCl, क्लियर होती है बात मेरी, आसान सी बात है। अच्छा क्या हुआ है यहां पे बता सकते हैं आप, यहां पर सर एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन हुआ है, क्या हुआ है सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन किसका हुआ है, सब्स्टिट्यूशन किसका हुआ है, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज का, यानी कि यहां डायरेक्ट हैलोजिनेशन कैसे हुआ सर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से हुआ, अरे भाई इलेक्ट्रोफाइल है, अरे पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की लवर, इलेक्ट्रोफाइल्स, तो यहां डायरेक्ट हैलोजिनेशन हुआ बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बोलो सही है, डायरेक्ट हैलोजिनेशन हुआ बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब सुनो 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 एक बात मैं तुम्हें बताऊं बेंजीन रिंग के बारे में, आपको यहां दिख रहा है कि ये जो बेंजीन रिंग है ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होता है बेंजीन, जरा देखो यहां पर 2 4 6 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे रिंग में, इसके बाद बहुत इलेक्ट्रॉन है, तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि ये जो बेंजीन होता है या बेंजीन के डेरिवेटिव होते हैं ये प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, आई रिपीट बेंजीन की 90% रिएक्शंस आप कौन सी पढ़ते हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसका रीजन क्या है खुद देख लो, बेंजीन रिंग के पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, डीले बने हुए हो रहे हैं, तो ये आसानी से किसी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज को खींच सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है भाई, क्लियर हो रही है बात मेरी, तो इसने एक इलेक्ट्रोफाइल को बुलाया, इलेक्ट्रोफाइल ने इसका H+ निकाला, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराया और क्या बना दिया क्लोरोबेंजीन, बोलो क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है। अच्छा अभी तो ऊपर ऊपर से बताने की बात थी, बताने की बात थी, बाकी सबसे पहला सवाल तो बच्चों के दिमाग में यही उठता है कि सर Cl+ बना कैसे, Cl+ बना कैसे, फिर अटैक कैसे मारा, तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको मिलेगा मैकेनिज्म में, इसमें मिलेगा मैकेनिज्म में, तो ध्यान से देखें इसका मैकेनिज्म, मैकेनिज्म लिख रहा हूं इसका, होता क्या है कि रिएक्शन एक्चुअली में 3 स्टेप्स में होता है, कितनी स्टेप में, 3 स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में मैंने कहा कि यहां से Cl+ ने अटैक मारा, तो Cl+ बनना तो चाहिए, बनेगा कैसे, Cl+ का बनना बड़ा मुश्किल काम है, क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है, तो ये बना कैसे, तो इसके लिए हमने क्या लिया, लुईस एसिड, क्या लिया, लुईस एसिड, अब लुईस एसिड्स क्या होते हैं, अभी मैंने बताया लुईस एसिड्स आर द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्या होते हैं लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन्स के भूखे, क्या चाहिए होता है अपनी जिंदगी में, इलेक्ट्रॉन्स, अरे फॉर एग्जाम्पल AlCl3, फॉर एग्जाम्पल FeCl3, फॉर एग्जाम्पल FeBr2, फॉर एग्जाम्पल FeBr3, फॉर एग्जाम्पल CuCl2, ये सब क्या है, ये सब लुईस एसिड्स है, ये सब क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहते हैं, कहीं से चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्लियर हो रही है बात मेरी, लुईस ने क्या कहा था, जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे वो लुईस बेस, जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले वो लुईस एस, इन सबका नेचर क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स लेने का, क्यों होता है, सुनो देखो AlCl3 को देखो, AlCl, ठीक है, ये बनाया मैंने, एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं आपको, 2 4 6, ऑक्टेट फिलर है इसका, नहीं ये क्या चाहेगा, दो इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इसलिए ये एक्ट करेगा एज एन एसिड, या कहूं एज अ लुईस एसिड, क्लियर हो गई बात ये, ठीक है, तो लुईस एसिड का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का, ये क्लोरोनियम आयन बनाने में मदद करेंगे, यहां लुईस एसिड का मेन नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन, अरे भैया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे हो, पहले इलेक्ट्रोफाइल को दिखाओ कहां है, तो इलेक्ट्रोफाइल को बनाया किसने, लुईस एसिड ने, ठीक है, समझते हैं मैकेनिज्म से, समझते हैं, मैं इसका मैकेनिज्म लिखता हूं पूरा, देखिएगा ध्यान से मैकेनिज्म क्या होता है इस रिएक्शन का, मैं ये मिटा रहा हूं, ठीक है, पहले मैं रिएक्शन लिख दूं एक बार वापस से, हुआ क्या है बेंजीन है मेरे पास, ठीक है, मैंने क्या किया Cl2 से इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराया, एक Cl गया Cl+ की फॉर्म में, यहां से H+ निकाला, मान लिया इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 ये काम हुआ है, ठीक है, कोई सा भी लुईस एसिड आप ले सकते हो,
AlCl3 लिखा हो सकता है, ऊपर CuCl2 लिखा हो सकता है, एरोपन लिखा हो सकता है, FeBr2, FeBr3, FeCl2, AlCl3 कुछ भी हो सकता है, कोई भी लुईस एसिड। ठीक है, तो यहां से Cl+ गया, इसको हटाया, क्या बना? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और साथ में बाहर क्या निकला? HCl। यहां से H+ और यहां से Cl-। कितना क्लियर होता है? यहां तक कोई डाउट नहीं। अब देखो जरा इसका मैकेनिज्म, ये सब हुआ कैसे, ये सब हुआ कैसे, तो सुने ध्यान से। यहां जो क्लोरीन है Cl2 है, Cl2 है, सबसे पहले ये बनाएगा, सबसे पहले स्टेप में, तीन स्टेप में होता है रिएक्शन, सबसे पहले स्टेप में ये बनाएगा Cl+, यानी कि यहां होगा इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन। तो फर्स्ट स्टेप क्या है इसका? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा? इलेक्ट्रोफाइल। कैसे बनेगा? सुनो, इसके साथ रिएक्ट करेगा FeCl3, जो कि मैंने एज ए कैटलिस्ट यहां काम में लिया है। ये FeCl3 इलेक्ट्रॉन का भूखा है, इस बॉन्ड को तोड़ेगा और इस क्लोरीन को Cl- की फॉर्म में अपने पास खींच लेगा। क्यों भाई? इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, क्या चाहिए इसको? इलेक्ट्रॉन। तो ये इस क्लोरीन को किस फॉर्म में खींचेगा? Cl- की फॉर्म में। ठीक है, यानी कि ये बॉन्ड हेटेरोलिटिक तरीके से टूटा। कैसे टूटा? हेटेरोलिटिक तरीके से, ड्यू टू FeCl3। क्या बना? जरा देखो, FeCl4- हाँ है ना, Cl- ऐड हुआ इसमें, साथ में बना Cl+। क्या कहेंगे इसको हम? क्लोरोनियम आयन। क्या बोलेंगे इसको हम? क्लोरोनियम आयन, नॉट क्लोराइड आयन, क्लोरोनियम आयन। और ये काम करेगा एक इलेक्ट्रोफाइल का, किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का। बोलो क्लियर होती है बात में? तो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने किया जनरेशन एक इलेक्ट्रोफाइल का, Cl+ बना यहाँ पे। अच्छा अच्छा, अब आते हैं सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना, ये अटैक मारता है बेंजीन रिंग पर। किस पर? बेंजीन रिंग पर। बहुत सीधा सा सवाल कि सर क्यों अटैक मारेगा, बहुत सीधा सा सवाल कि क्यों मारेगा? तो भैया Cl+ को जिंदगी में चाहिए क्या? इलेक्ट्रॉन, परेशान है, पॉजिटिव चार्ज है, बहुत इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसको इलेक्ट्रॉन दिख कहाँ रहे हैं? बेंजीन रिंग पर। कहाँ दिख रहे हैं? बेंजीन रिंग पर। देखो जरा ये आवारा गर्दी करते हुए घूमते हुए इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन इसको दिखे, इसका मन ललचाया, ये जल्दी से किस पर अटैक मारेगा? बेंजीन रिंग। क्लियर है? ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे यहाँ। अरे इसमें रेजोनेंस होगा तो हर कार्बन पर एक ना एक बार इस तरह मूव ये इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से मूव करके यहाँ पहुंचे थ्रू दी रेजोनेंस, तो क्या बना? देखना जरा, एक बहुत छोटे से टाइम के लिए एक स्पीसी बनी। ये यहाँ पर क्या आ गया? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यहाँ पर क्या आया? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। दो इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज मतलब दो इलेक्ट्रॉन इस क्लोरोनियम आयन ने अटैक किया यहाँ पे। रीजन की नेगेटिव चार्ज आया यहाँ पे, भाई इस कार्बन ने दोनों इलेक्ट्रॉन लिए ड्यू टू रेजोनेंस। अरे रेजोनेंस से डिलोकलाइज होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचे ही थे कि किसने अटैक मार दिया? Cl+ ने, क्लोरोनियम आयन। क्या बना देखो जरा, क्या बना देखो जरा, ध्यान से देखो। कुछ इस तरह की स्पीसी बनी। यहाँ पर कैसा, यहाँ पर आया क्लोरीन। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन ने अटैक मारा यहाँ पे, है ना? इधर से समझो, इधर से इस साइड से समझो इसको। क्लोरीन ने अटैक मारा यहाँ पे, ठीक है, इस पर। अब ये नेगेटिव चार्ज मतलब दो इलेक्ट्रॉन, जिसमें से एक इसका खुद का और एक इसका इलेक्ट्रॉन भी इसने शेयर कर दिया इसके साथ, तो इसका नेगेटिव चार्ज खत्म। अरे भैया इसने एक इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ शेयर किया हुआ था, ठीक है, अब इसने ये इलेक्ट्रॉन भी ले लिया और इसका इलेक्ट्रॉन भी ले लिया, तो कैसा चार्ज आया? नेगेटिव। अब इसने इस नेगेटिव चार्ज को किसके साथ शेयर किया, यानी कि इन दो इलेक्ट्रॉन्स को किसके साथ शेयर किया? इस क्लोरीन के साथ, तो इसका नेगेटिव चार्ज खत्म, ठीक है। बट स्टिल इस कार्बन पर अभी क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती? इस कार्बन पर अभी भी कैसा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर बात मेरी? अब एक अच्छे बच्चे के दिमाग में एक और सवाल, क्या कि सर एक बात बताओ, हमें पता है कि बेंजीन, हमें पता है कि बेंजीन एक स्टेबल कंपाउंड है, सब जानते हैं इस बात को, एरोमेटिक कंपाउंड है, बहुत एरोमेटिक होता है बेंजीन। तो सर बेंजीन एक स्टेबल कंपाउंड है तो वो इस रिएक्शन को देगा ही क्यों? बहुत सीधा सा सवाल है कि बेंजीन एक स्टेबल कंपाउंड है तो वो इस रिएक्शन को देगा ही क्यों? क्यों वो क्लोरीन को, Cl+ को आकर अटैक मारने देगा? दिमाग थोड़ी खराब है इसका। जरा देखो कि जो स्पीसी बनी क्या वो स्टेबल है? देखो जरा ध्यान से, although बेंजीन इज अ स्टेबल कंपाउंड, पर Cl+ के अटैक मारने के बाद जो स्पीसी बनी वो भी तो स्टेबल है, उसमें भी तो रेजोनेंस है। देखो जरा,
पाई सिग्मा पॉजिटिव नजर आ रहा है कि नहीं, पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो सर रेजोनेंस तो यहां भी है, बन सकती है, क्लियर हो गई बात मेरी, सीएल प्लस अटैक मार सकता है क्योंकि ये भी शो करेगा रेजोनेंस, क्लियर हुई। रेजोनेंस किस तरह से शो करेगा, देखो जरा ये, देखो जरा रेजोनेंस किस तरह से शो करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां, सही बात है, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर, देखो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर, डबल बॉन्ड और सीएल, ठीक है, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां, पॉजिटिव चार्ज अब इस कार्बन पर आती है, सबको रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर बनाना, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर, इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी सीएल, क्लियर होगी बात मेरी, आगे रेजोनेंस नहीं होगा। तो यहां से यहां क्यों गया, क्योंकि सर ये स्पीशीज भी स्टेबल थी ड्यू टू रेजोनेंस, इसमें भी क्या था रेजोनेंस, क्लियर है बात मेरी। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने, रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ इस तरह बनेगा, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड देखो जरा, इसका डबल बॉन्ड इन कार्बन के बीच में घुमा है, पार्शियल पॉजिटिव यहां, पार्शियल पॉजिटिव यहां, पार्शियल पॉजिटिव यहां, और यहां क्या जुड़ रहा, क्लोरीन, क्लियर है बात मेरी। ये कहलाता है इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट, पूछा गया है कई बार सवाल ये कि जब बेंजीन की रिएक्शन या बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप कराते हैं विद क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, तो इंटरमीडिएट क्या बनता है, दिस इज द इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन एंड दिस इज नॉट द कार्बोकैटायन, ये कोई कार्बोकैटायन नहीं है, ध्यान से सुनो, ये कोई कार्बोकैटायन नहीं है, ये कार्बोकैटायन जैसा लग रहा है, ये लग रहा है, ये लग रहा है, बट दीज आर नॉट द इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कौन होगा, इनका हाइब्रिड, इनका हाइब्रिड, और इस हाइब्रिड को हम बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा कॉम्प्लेक्स विच इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। तो सर इस बेंजीन को इस रिएक्शन करने में कोई ज्यादा घाटा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि रिएक्शन करने के बाद जो इंटरमीडिएट बन रहा वो भी स्टेबल बनेगा, क्लियर हो गई बात मेरी, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब सुनो ध्यान से, सुनो सुनो, यहां इस स्ट्रक्चर पर आते हैं वापस, यहां पर एक हाइड्रोजन था, ठीक है, वो अभी भी तो है, वो थोड़ी गया नहीं, आई एम सॉरी, वो हाइड्रोजन अभी भी तो है, अरे भाई देखो हर बेंजीन में हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है, यहां हुआ क्या है, यहां इलेक्ट्रॉन गए इस कार्बन के पास, यहां इलेक्ट्रॉन गए इस कार्बन के पास, ठीक है, यहां पर इस कार्बन के पास जाने के बाद मैं इसका हाइड्रोजन शो करता हूं, मैं इसका हाइड्रोजन शो करता हूं, पहले कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर थी इसकी, इसी कार्बन का शो कर रहा हूं, ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन जब इधर चले गए तो इसने कुछ ये बनाया, इसने कुछ ये बनाया एच, यहां है नेगेटिव चार्ज, तो इस पर किसने अटैक मारा, सीएल, ठीक है, तो हाइड्रोजन तो है इसके पास अभी, बाकी एज इट इज, यहां पॉजिटिव चार्ज, यही तो है ही स्पीशीज, एक ही स्पीशीज है दोनों भाई, एक ही स्पीशीज है, तो हाइड्रोजन अभी भी यहां पर है, मुझे इसे निकालना है, तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में मैं मिटा रहा हूं ऊपर का, थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में होगा सर रिमूवल ऑफ, ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, हाइड्रोजन यहां पे H+ की फॉर्म में बाहर जाना चाहेगा, तो थर्ड स्टेप में होगा सर रिमूवल ऑफ ऑल्ड न्यूक्लियोफाइल, आई एम सॉरी ऑल्ड इलेक्ट्रोफाइल, क्लियर हो गई बात मेरी। इस स्ट्रक्चर में से, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में से, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां Cl, और यहां क्या जुड़ रहा, हाइड्रोजन, यहां से निकलेगा हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में, कौन निकलेगा, हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में, अब H+ की फॉर्म में निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जाएगा, कहां डोनेट करके जाएगा, यहां पे, तो इन दोनों कार्बन के बीच में वापस से डबल बॉन्ड, ठीक है, अब इस डबल बॉन्ड के आने से इसका ना फायदा ना नुकसान, हुआ क्या कुछ, अरे इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ था, इस कार्बन के साथ बना लिया, बट इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म, और आप देख पा रहे हैं कि यहां पर कॉन्जुगेशन वापस आ गया, ये बॉन्ड बनते ही कॉन्जुगेशन वापस आ गया, क्लियर हो गई बात मेरी, कुछ इस तरह का कंपाउंड बन गया, और यही तो बनाना था क्लोरो बेंजीन, बोलो क्लियर हुई बात मेरी। अब ये भी सवाल उठता है सर, ये हाइड्रोजन जाएगा H+ की फॉर्म में, तो इसके दो रीजन है, पहला कि इसके निकलने से ये कंपाउंड और ज्यादा स्टेबल हो रहा है, वापस एरोमेटिक हो रहा है, वापस एरोमेटिक हो रहा है, पहली बात तो, दूसरा कि यहां पर एक बेस भी है हमारे पास, अरे सर कहां लिया है बेस, अरे लिया तो है FeCl4-, ये बेस क्या करेगा, H+ को खींचेगा, अरे भाई FeCl3 ने Cl- देकर क्या बनाया, FeCl4-, ये बेस नहीं है क्या, एसिड्स, एसिड्स किस में कन्वर्ट होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन लेकर, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज स्पीशीज को लेकर किस में कन्वर्ट होते हैं, उसके कॉन्जुगेटेड बेस में, तो ये कॉन्जुगेटेड बेस है किसका, FeCl3 का, ये बेस H+ निकाल देगा,
ठीक है, और इसके साथ H+ रिएक्ट करके HCl बनाएगा और आपको FeCl3 ऐसा का ऐसा मिल जाएगा। अब समझो फिर से क्या होगा, देखो जरा FeCl4- plus H+, ये Cl- बाहर आया, H+ के साथ क्या बनाया HCl और FeCl3 वापस ऐसा का ऐसा मिल गया। इसीलिए इस रिएक्शन में FeCl3 एक्चुअली में कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे या घटा दे, ठीक है। लास्ट में ऐसे कैसे मिल रहा है आपको, मिल रहा है ऐसा कैसा, तो FeCl3 आपको प्रोडक्ट्स में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको FeCl3 ऐसा कैसा लास्ट में मिल जाएगा। क्लियर होती है बात मेरी? तो इस तरह से आप क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है, बाय द डायरेक्ट हैलोजिनेशन। और डायरेक्ट हैलोजिनेशन कैसे होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से। क्लियर? अच्छा अच्छा सर, मुझे ब्रोमोबेंजीन बनाना है, बना लो भैया, ब्रोमोबेंजीन भी बना लो। देखो देखो सर, मेरे पास है बेंजीन, रिएक्शन कराया विद Br2, क्या बनेगा? अच्छा, किसकी प्रेजेंस में होगा, लुईस एसिड चाहिए यहां भी, FeCl3, FeBr3, AlCl3, कुछ भी ले सकते हो। होगा क्या, होमोलिटिक बॉन्ड के लिए हेटेरोलिटिक बॉन्ड के लिए बेस होगा, Br- खींच लेगा ये यहां से, ठीक है, ब्रोमोनियम आयन बना देगा। अरे भाई Br Br ये किस फॉर्म में गया, Br- क्या बना, Br+ व्हिच इज आल्सो नोन एज ब्रोमोनियम आयन। क्या कहेंगे इसको, ब्रोमोनियम आयन, नॉट ब्रोमाइड, गलती मत कर देना, ब्रोमोनियम आयन कहेंगे इसको, पॉजिटिव चार्ज है हैलोजन पर, ठीक है। लास्ट में सुनेंगे ध्यान से लास्ट में ये Br प्लस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, H प्लस निकाल देगा, क्या बना देगा, ये साथ में बाहर क्या निकला, HBr। क्लियर है बात मेरी? तो आसानी से बना सकते हैं। मुझे बनाना है सर आयोडोबेंजीन, तो बना लो, आयोडोबेंजीन प्लस I2 गिव्स FeCl3, क्या बनेगा सर, ये बनेगा I प्लस H, बोलो हां कि ना। अरे I माइनस और I प्लस, I माइनस को ये खींच के लेके जाएगा, ठीक है, फिर I प्लस अटैक मारेगा इसके, H प्लस निकालेगा और H प्लस I माइनस के साथ क्या बना देगा, HI। कुछ याद आ रहा है रिएक्शन को देख के, कुछ याद आ रहा है? हाँ कि सर ये रिएक्शन जो होगी ना वो रिवर्सिबल होगी, ऐसी रिएक्शन। अरे डायरेक्ट हैलोजिनेशन कराया हमने एल्काइल हैलाइड में, हमें पता है कि HI इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, हम जानते हैं इस बात को। अरे मैंने बताया था आपको कि ये बहुत ही खूबसूरत रिड्यूसिंग एजेंट होता है HI, जो होता है ये आयोडोबेंजीन को वापस रिड्यूस कर देगा इनटू दी बेंजीन। किसमें रिड्यूस कर देगा इसको, I2 और बेंजीन में, कौन, HI, क्योंकि बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिएक्शन कैसा होगा, रिवर्सिबल। तो आयोडोबेंजीन बनाने का ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। आप ब्रोमोबेंजीन बनाइए, आप क्लोरोबेंजीन बनाइए, प्रेफर तो ये इसी के लिए किया जाता है क्लोरोबेंजीन के लिए, ठीक है, आप ये बनाइए, पर आयोडोबेंजीन बनाने का ये तरीका सही नहीं है। क्लियर हुई बात मेरी? क्यों, आपसे पूछा जा सकता है क्यों, क्योंकि HI रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, तो रिएक्शन कैसा हो जाता है, रिवर्सिबल। अब कोई आपसे कह दे ना मेरे को तो इसी मेथड से बनाना है, होता है ना जिद्दी किस्म के लोग, कोई आपसे कह दे ना मुझे तो इसी मेथड से बनाना है एल्काइल, तो आप तो बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप डाल दो इसमें कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अरे डाल दो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपको इसी से तो प्रॉब्लम है, रिड्यूसिंग एजेंट खत्म हो जाएगा जब आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को नाम में लिया जाता है इस रिएक्शन में, कंसंट्रेटिंग HNO3, जनरली या पराआयोडिक एसिड का भी यूज हम कर सकते हैं, सिमिलर ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज में लेते हैं जो हमने एल्काइल हैलाइड के केस में लिए थे। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, फिर लास्ट में बचता है फ्लोरोबेंजीन, तो फ्लोरोबेंजीन कांट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, क्योंकि वहां हम हैलोजिनेशन कराने जाएंगे तो एक्सप्लोजन हो जाएगा। क्लियर होती है बात भी? और साथ में F+ बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा होती है कि F+ बनाना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, तो फ्लोरोबेंजीन के लिए ये मेथड काम में नहीं लिया जाता। क्लियर है? तो ये एक मेथड हम लोगों ने खत्म किया हैलोएरिन बनाने का, समझ में आया होगा आपको। इसके बाद दूसरा मेथड है हमारे पास हैलोएरिन या एराइल हैलाइड बनाने का, और वो हम बनाएंगे डाइएथेनियम सॉल्ट से, ठीक है, तो कल पढ़ेंगे उसको हम, ठीक है, थैंक यू।